बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और खैरियत से हैं। वंस अगेन वेलकम इन डे विद उजाला। कैसा जा रहा है आप लोगों का वीकेंड? खैर अभी तो स्टार्ट हुआ है और मेरे पास तो आप लोग जब मेरा व्लॉग देखेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों का ऑलमोस्ट गुजर चुका हो गया। और ये है कि वीकेंड है, ठीक है। और वीकेंड को यूजुअली क्या होता है कि मॉर्निंग्स लेट होती हैं, सुस्ती हो रही होती है और प्लस ये कि और भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। खैर एनी हाउ, तो ये है कि आज मैंने प्लान किया था कि ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो, क्योंकि ब्रेकफास्ट में लेट हो गया तो एक ही हो बीच वाला टाइम, यानी कि ब्रंच। सो आज मेरा व्लॉग इसी के बारे में है और मैं ब्रंच में क्या रेडी कर रही हूँ। व्लॉग को देखना है एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब सबसे पहले कर लें। सो या आज मेरा प्लान था दाल के पराठे बनाने का और मेरा बहुत दिल करा था मतलब दाल के पराठे बनाने को। तो आज मैंने सोचा कि चलें ब्रंच में जो है वो दाल के पराठे ही जो है वो बनाते हैं। सो चलें फिर, टाइम को वेस्ट नहीं करते और नीचे चलते हैं किचन में और दाल के पराठे जो है वो मज़ेदार किस्म के प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं आज मूंग दाल के पराठे बनाने लगी हूँ। और ये मूंग की दाल को मैंने भिगो के रख लिया था ऑलमोस्ट लाइक इसको ना 4 घंटे हो गए हैं, 4 से 4.5 घंटे आराम से हो गए हैं, ठीक है। तो अब मूंग की दाल वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है, अब ये है कि इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पतीला ले लिया है और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल लिया, एक छोटा सा प्याज मैंने लिया है उसको ऐसे रफली सा चॉप कर लिया। ये डाल के ना थोड़ा सा इसको भून लेती हूँ। अब ये प्याज बिल्कुल पिंक हो गए हैं, ठीक है, मुझे इसको ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना है। और अब मैंने यहाँ पे ना थोड़े से मसाले निकाल लिए हैं, जैसे एक अदद मैंने ग्रीन चिली ली है, ज़ीरा लिया है थोड़ा सा, बहुत थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी से लाल मिर्ची का पाउडर और यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है और मेरे पास है चाट मसाला और नमक, ठीक है। ये सब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और जब भी मसाले हमने ड्राई ऐड करने हैं तो हमने थोड़ा सा पानी लाजमी शामिल करना है ताकि मसाला जले ना। अब इसी के साथ ही ये दाल में से पानी जो था वो मैंने रिमूव कर दिया है, दाल शामिल कर देती हूँ। ले जी, ये दाल मैंने इसमें शामिल कर दी है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा दाल को जो है वो भून लूँगी और लाइक 5 मिनट्स के लिए मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ। ओके, तो मैंने इसको 5 मिनट के लिए भूना है। जो पानी थोड़ा सा डाला था वो तकरीबन सारा ड्राई हो गया है। थोड़ा सा अब मैं मज़ीद इसमें पानी शामिल करूँगी, लाइक बस इतना, लाइक 1/2 कप के जितना, ठीक है। और अब मैं इसको कर लेती हूँ कवर। सो आई विल कवर इट फॉर ऑलमोस्ट लाइक 10 to 12 minutes, जब तक ये पानी ड्राई हो जाएगा ऑन मीडियम टू लो फ्लेम और दाल इसी में जो है वो गल भी जाएगी और प्लस ये कि पानी भी ड्राई हो जाएगा। इन द मीन वाइल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं गूंद लेती हूँ आटा पराठों के लिए। ये सिंपल कोई मैदा नहीं है, ये सिंपल जो है वो व्हीट फ्लोर है, ठीक है, जो हम लोग आम घर पे जो रोटी बनाते हैं। थोड़ा सा बस नमक डाल के और मैं इसको गूंद लेती हूँ और ऑयल थोड़ा सा शामिल कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो अब मैं इसको खोलने लगी हूँ और ये देखिए हमारी मूँग की दाल तो इतनी अच्छी भी खुशबू आई है, ये देखिए कितनी अच्छी ये तैयार हो गई, क्योंकि काफ़ी देर भिगो के रखी थी और ये बस 10 मिनट में रेडी हो गई, पानी ड्राई हो गया और पराठे के लिए बिल्कुल बेस्ट है ये हमें फिलिंग के लिए, खड़ी खड़ी सी और बिल्कुल ये कि कम्प्लीटली टेंडर्ड और ज़्यादा मैशी भी नहीं है। बस फ्लेम ऑफ करती हूँ इसके, ठंडा होने का हम कर लेते हैं थोड़ा सा वेट। चलिए आटा भी यहाँ पर मैंने गूंद लिया है, अब जब तक दाल थोड़ी ठंडी हो जाए तो इसको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये है कि हम पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दाल अच्छी से ठंडी हो गई और अब मैंने जो है वो पराठे बनाना स्टार्ट करने हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पराठे बनाते हैं और ज़्यादा बड़े बड़े पराठे नहीं बनाऊँगी मैं, छोटे छोटे बनाऊँगी, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट सो गुड एट रोटी, ठीक है। रोटी कोई मुझसे इतनी कोई ख़ास अच्छी बनती नहीं है, गोल भी नहीं बनती, बस बन जाती है तो बस कोई कोई चीज़ ऐसे होती है ना जो इंसान के हाथ पे नहीं चढ़ती, तो बस वो वाला सीन है मेरे साथ भी। सो बहरहाल करते हैं कुछ, ठीक है, बनाती तो हूँ अब डेली बेसिस पे, ऐसी बात नहीं है। चले अब ये इस तरीके से मैंने करके ना, तो इसमें थोड़ा सा मैं घी लगा लूँगी, अच्छा ये घी मेरा घर का ही बना हुआ है और ये घी मैंने इसके ऊपर लगा के, अभी मैंने नाइफ नहीं रखी है इधर, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऐसे आटा छिड़क देती हूँ। अच्छा, तवा भी जो है वो मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया,
एक मैं बना के ना, तो उसके बाद इसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो फिर मैं जब दूसरी रोटी जो है वो बेल लूँगी, तो फिर इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, समय वो घी एक्चुअली मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, वो फिर जब पिघला है ना वो बहुत ही ज़्यादा नरम हो गया है। इट्स ओके, चल ऐसे कर लेते हैं। अच्छे से जो है वो हम ड्राई फ्लोर पे डालेंगे। मुझे ना पहले ऐसे बिल्कुल भी करना नहीं आता था, और मैं बड़ा अजीब तरीके से ऐसे करती थी, लेकिन कोई वाली बात है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बस वो वाली कहानी है। बस मैं ज़्यादा बड़े बड़े पराठे जो है वो नहीं बना रही हूँ, दैट्स इट, इतना ही मैं इसको करूँगी। ये मेरा एक डन हो गया, दूसरी भी मैं ऐसे करती हूँ, और उसके बाद हम इसमें फिलिंग जो है वो डालते हैं। ये मैंने इस तरीके से जो है वो बेली, ठीक है, अब मैं इसमें फिलिंग जो है वो शामिल करती हूँ। अच्छा, अभी मेरे पास ना हरा धनिया नहीं है, वरना तो इसमें हरा धनिया ज़रूर डालें। वैसे मेरे पास पुदीना है, थोड़ा सा वो डाल देती, बहुत अच्छा आता खुशबू पुदीने की, पर चले अब नहीं डाला तो नहीं डाला। लेकिन यह है कि हरा धनिया तो मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि हरा धनिया के बगैर ना मुझे बड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। मुझे बहुत पसंद है हरा धनिया ना। अच्छा, आप इसको सिंगल पराठे में भी बना सकते हैं, लेकिन यह है कि मैं डबल जो है वो बना रही हूँ। लेकिन आप इसको डेफिनेटली सिंगल भी बना सकते हैं, जैसे हम आलू का सिंगल बनाते हैं, सेम वाइज ये भी सिंगल बना सकते हैं। रोटी जो है वो नहीं टूटेगी, बिकॉज ये सारा बहुत अच्छे तरीके से ड्राई है दाल। अच्छा, वो जो नीचे वाली रोटी है कुछ ज़्यादा बड़ी बेल गई है, मैं कह रही थी कि मैं छोटी बनाऊँ, छोटी छोटी करते करते भी जो है ना इतने बड़े बड़े पराठे बन ही जाते हैं, जितना भी आप करो छोटा छोटा। सो या ये है, और अब मैं इसको डालती हूँ तवे पे जो कि गर्म हो चुका है। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और अभी मैंने तवे पे जो है ना वो कोई भी लाइक ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं था डाला, ठीक है। और ये है कि छोटा छोटा करते भी पूरे तवे जितना पराठा जो है वो मेरा बन चुका है। कोई हाल नहीं है, बिस्मिल्लाह, ठीक है, एक साइड से हो गया। अब हम जो है वो इस साइड से थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप इस पे ऑब्वियसली बटर भी लगा सकते हैं, मैं घी ही लगा रही हूँ। बस अंदर भी हमने डाला था तो इतना ज़्यादा बस नहीं डालाऊँगी, और बस इतना बहुत है एक साइड से। Then we will flip it. क्योंकि तवा जो है ना वो गर्म हो चुका था अच्छे से ना, तो इतना टाइम मिलेगा बस। चलिए इसको हम ऐसे लगाते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी जो है ये लग रहा है, और बहुत यम्मी ये बनते हैं, डू ट्राई इट, बहुत डिलीशियस लगते हैं, दही के साथ खा सकते हैं इसको, बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से जो है वो इसके ऊपर कलर जो है वो अच्छे से आ जाए घी का। ये देखिए, एक तो मैंने डबल से बना लिया, और एक मैंने इस तरीके से सिंगल बनाया है। तो आप ऐसे जो है वो सिंगल भी बना सकते हैं, अगर बड़े जो है वो आपको नहीं बनाने, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। एंड हियर वी गो, मज़ेदार किस्म के दाल के पराठे यहाँ पर रेडी हो गए हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे होंगे, मज़ेदार लगे होंगे, ज़रूर ट्राई करें, और आप लोग भी वीकेंड ब्रंच जो है वो बनाएं, इसको दही के साथ खाएँ, या ये ऐसे भी डिलीशियस लगेंगे। होप यू लाइक इट, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। हम ये गर्मा गर्म पराठे अब इन्जॉय करेंगे। खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।